फ्रेंड्स, दिस इज लकी बेनीवाल एंड आई एम अगेन हियर विद माय नेक्स्ट वीडियो। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जूलॉजी का सिलेबस और अब इस वीडियो में कर रहे हैं सिलेबस बॉटनी का, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। आप भी कमेंट करें कि आपका फेवरेट कौन सा है। तो फर्स्ट टॉपिक इज वायरस, सेकेंड बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। अब ये हमारे जो चार टॉपिक्स हैं इनकी इक्वल वेटेज रहेगी कि मतलब मैक्सिमम अगर वायरस से आ रहा है, फंजाई से नहीं आ रहा है, मतलब इक्वल से ही वेटेज रहेगी। ये यानी चारों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इज लाइकन्स, लाइकन से पक्का एक या दो क्वेश्चन पक्का आता है। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स, स्टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी। इसमें हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैलियोबॉटनी, इनसे भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब प्लांट्स की जो भी है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ऑलमोस्ट बॉटनी के सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसमें हमारा टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी क्वेश्चंस है। एटलीस्ट मैंने प्रीवियस ईयर करे इसके 300 to 400, मतलब इसके काफी है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एनाटॉमी से टेक्सोनॉमी इज मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक बॉटनी, इकोनॉमिक बॉटनी में आएगा कि हमारे एप्लीकेशंस क्या है, जैसे जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी, देन साइटोलॉजी, इसमें हम सेल्स के बारे में लाइक प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, जेनेटिक इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एनिमल किंगडम इम्पॉर्टेंट था वैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर है हमारा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हाइयर प्लांट्स का। ये नहीं है इसमें फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू, केल्विन साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। ग्लाइकोलिसिस ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें एनसीईआरटी से ऐसे के ऐसे क्वेश्चन भी उठ के आ जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट पैथोलॉजी, बायोटेक एंड जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मोल बायो, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ज्यादा, मतलब इंटरेस्टिंग भी इतने हैं, लाइक मैं आपको बहुत ही इजी वे से पढ़ाने वाली हूँ। एनवायरमेंटल बॉटनी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इसके काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिलेबस। तो अब जैसे मैंने पहले जूलॉजी का बता दिया, नाउ बॉटनी का। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज